नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से लेके आऊँ दोस्तों एक नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल में। सभी भारतीय इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि जो लोग जो है वो बंगाली भाषा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हीं के लिए रिक्रूटमेंट है। अगर आप बंगाली भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपकी ये चीज़ जो है वो चेक भी करी जाएगी। तो इसलिए अगर आपको बंगाली भाषा आती है तभी जो है आप इसमें आवेदन कीजिएगा, अगर नहीं आती है तो आवेदन मत कीजिएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन जो है वो रीड कर सकते हैं, लिंक सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ऊपर आई बटन पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनकी रिक्रूटमेंट जो है अभी चल रही है। तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियो को देख के अप्लाई जो है बाकी जॉब्स के लिए कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या जो लिखा गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बात करें सैलरी की तो 37,000 के करीब आपको सैलरी मिलेगी, साथ में ग्रेड पे और अलाउंस जब डाले जाएंगे तो सैलरी आपकी और जो है वो बढ़ जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? अगर आपने दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री करी हुई है किसी भी स्ट्रीम में, या डिप्लोमा करा हुआ है इंजीनियरिंग का, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है कुछ आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का स्ट्रीम जो है वो मेंशन नहीं करा हुआ है किस डिसिप्लिन वाले आवेदन कर सकते हैं, तो सभी डिसिप्लिन वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नोटिफिकेशन को रीड करना मत भूलेगा। बिना रीड करे हुए बिना देखे आवेदन मत कीजिएगा। आपकी जो एज है दोस्तों 18 से लेकर 39 साल तक होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगी, लेकिन जो है वो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को ही मिलेगी। बाहर की स्टेट से आवेदन कर रहे हैं तो किसी भी तरह की रिलैक्सेशन आपको किसी भी कैटेगरी में नहीं मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो ₹160 फीस जो है वो रखी गई है। आप चाहें तो ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड दोनों मोड से जो है वो पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप SC ST से हैं और वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में जो है आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों लास्ट डेट की, तो 4 जून जो है वो लास्ट डेट है, इससे पहले पहले ही आपको इसके लिए आवेदन करना है। बाकी स्टार्टिंग डेट के बारे में मैं जो है वो आगे आपको बताने वाला हूं। अगर आपको ऑफलाइन मोड से जो है वो फीस पे करनी है तो यहाँ पे UPI ब्रांचेस जो है इसमें जो है आप जमा करवा सकते हैं। बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नोटिफिकेशन रीड करके आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। 14 मई से दोस्तों आवेदन शुरू हो चुके हैं, हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखें आवेदन शुरू हो चुके हों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक डायरेक्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता है तो जैसे ही टाइटल पर क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वो खुल जाएगी। तो 3 जून जो है दोस्तों लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की, जिसके बीच में जो आवेदन कर लीजिएगा। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आवेदन करने में तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जो है उनके आंसर्स दे दूंगा। तो ऐसे दोस्तों आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लिंक जब तक मैंने चेक करा था जनरेट नहीं हुआ था, हो सकता है आप जनरेट हो चुका हो, आप जरूर चेक कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।